इसके ऊपर 30 लाख खर्चा है, जिसमें ये वो सिस्टम है भाई जो मेरे अंकल ने लगाया है सोलर पे। ये सारी प्लेटें आपके सामने हैं, तकरीबन 36 प्लेटें हैं बड़ी, 545 वाट की एक प्लेट है, ये ट्राई एनर्जी वालों की ये प्लेट है बड़ी, प्रीमियम सोर्स के नाम से हैं। अब मुझे पता नहीं है किस क्वालिटी की हैं ये, उन्होंने लगाया ये सिस्टम, तकरीबन जो है ना इसके ऊपर 30 लाख खर्चा है, जिसमें बोरिंग होगी, ये पैंप वगैरह, कनेक्शन, तारें, सब कुछ मिला के तकरीबन जो है ना 30 लाख के करीब खर्चा आया है। पानी आप चेक कर लें, माशाल्लाह पानी ठंडा है, सही है पानी। भाई कहते हैं रोज़ाना के कम से कम 7 से 8 जो है ना बिगे, यानी कि 2-3 से 4 एकड़ ये सैराब करते हैं। लेकिन देसी जुगाड़ लगा हुआ है इसके अंदर, जो इन्होंने फ्रेम सही नहीं लगाया, अगर फ्रेम सही लगाए तो करंट इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इनका जाविया ठीक नहीं है, 45 डिग्री पे इसका जाविया होना चाहिए और पानी इसका बढ़ जाएगा। पानी आप देख लें, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, पानी कम है बड़ा। ब्रेकर उस साइड पर लगा हुआ है और VFD लगी हुई है, VFD भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बंद, बड़ा प्रेशर है यार इसका, छोड़े छोड़े ही नहीं, घर वाले मोटर भी ज्यादा पानी है ना, कि बंद करन नाल ता आए। अच्छा, ये सर मोटर लगी हुई है नीचे पानी वाली सिंगल, ये DC के लिए भाई, वायरिंग के लिए। ये कंट्रोलर लगाया हुआ है, जो जितनी भी वायरिंग है ये DC की हुई है उन्होंने, क्योंकि तमाम प्लेटों का करंट इधर आ रहा है, करंट ज़्यादा है आगे से, ये कंट्रोलर लगाया है ताकि बैटरी को जितना चाहिए उतना करंट जाए, जायल ख़त्म हो जाए, आगे ना जाए, और उधर भी उतना ही करंट जाए बल्बों में भी, अदरवाइज रैक उन्होंने लगाया है, बल्ब जल गए हैं बिल्कुल। ये पड़ा है वो डब्बा, सर ये वो सिस्टम था जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी है, उन्होंने जो है ना कस्टमाइज खुद से बनाए हैं स्टैंड, लेकिन स्टैंड अच्छे नहीं बने जिसकी वजह से पानी कम है। अगर स्टैंड सही हो तो इसका जो है ना अभी जा रहे हैं 40-45 तक इसके एम्पेयर जा रहे हैं, ये 50 एम्पेयर तक जा सकता है, 2 प्लेटें मज़ीद 7-3 बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरा 18 या 20 किलोवाट की VFD लगी हुई थी आपके सामने है, और नीचे वो छोटा पंप भी चल रहा था, उसका भी प्रेशर आपको दिखाया है, घर की भी टोटल वायरिंग उन्होंने इसी के ऊपर की है, माशाल्लाह रिजल्ट तो अच्छा है बड़ा। वैसे तो एक मरतबा लग गए हैं, लेकिन ये 3 से 4 साल में पैसे वापस हो जाएंगे, और इनको जो बनाना पड़ेगा ना स्टैंड, वो अच्छे स्टैंड बनाने चाहिए जो इसके साथ लगते हैं, ये कस्टमाइज स्टैंड सही नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।